चला दी गई है, सैकड़ों बल्बे नजर आतिश कर दी गई है, घरों से लोगों को भी घर कर दिया गया है, लूटपाट हो रही है। वहाँ का जो एसी जो कि क्रिश्चियन था उसके दफ्तर को जला दिया गया। हम किधर जाएंगे? हम पाकिस्तानी नहीं है? क्यों पाकिस्तान को भी आप इंडिया बना रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में भी मणिपुर वाला हाल? यीशु मसीह के नाम में आप सभी को छे मसीह की। मेरे प्रियो, पाकिस्तान में मसीही लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई है। कई चर्चों को जला दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था, एक चर्च का वीडियो दिखाया था जहां पर खुलेआम जो उपद्रवी है वो चर्च में तोड़फोड़ करते हैं, क्रॉस को गिरा देते हैं। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि वो अकेला चर्च नहीं था, और भी उस इलाके में बहुत सारे चर्चों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई सारे चर्चों में तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद चर्चों में आग लगा दी गई है। इस प्रकार से पाकिस्तान से ये खबर आ रही है। पाकिस्तान में जो हिंसा हुई है वो आरोप लगा रहे हैं कि इस निंदा का आरोप लगाकर जो उग्रवादी भीड़ ने मसीही लोगों के ऊपर हमला कर दिया, और उसके बाद जहाँ पर चर्च स्थित थे वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ की और चर्चों में आग लगा दी गई, ये बहुत ही बड़ी हिंसक घटना हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस निंदा का झूठा आरोप लगाकर मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और पुलिस ने उस मसीही के ऊपर भी FIR दर्ज कर दी है कि कुरान का अपमान और इस निंदा का करना, इस प्रकार से उनके ऊपर भी FIR कर दी है। इस प्रकार की खबर पाकिस्तान से आ रही है। न्यूज़ हमें मिला है कि पाकिस्तान में कई चर्चों में आग लगा दी गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटना बढ़ती ही जा रही है। अब पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले में कई चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है। यह घटना एक ईसाई सफाई कर्मी पर इस निंदा का आरोप लगाने के बाद हुई। इस्लामिक भीड़ ने ईसाइयों को निशाना बनाते हुए उनके घरों पर भी हमला किया है। मीडिया संस्थान डॉन ने फैसलाबाद जिले के जारनवाल तहसील के पादरी इमरान भट्टी के हवाले से कहा है कि ईसा नगरी इलाके में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और शेहरूनवाला चर्च में तोड़फोड़ की गई। ये जो चर्चों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इन चर्चों में तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद उन चर्चों में आग लगा दी गई है। और साथ ही साथ जिनके ऊपर इस निंदा का आरोप लगाया गया था, ईसाई सफाई कर्मी का घर भी गिरा दिया है। इस घटना पर पाकिस्तान के बिशप चर्च के अध्यक्ष आज़ाद मार्शल ने ट्वीट करके कहा है, जब मैं यह लिख रहा हूं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम बिशप प्रिस्ट और आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जरनवाल में हुई घटना पर बहुत दुखी हैं। जब मैं यह ट्वीट टाइप कर रहा हूँ तब एक चर्च और जलाया गया है। मतलब चार पांच चर्चों को जला दिया गया है पाकिस्तान में। बिशप ने आगे कहा है कि यहाँ बाइबल का अपमान किया गया है और ईसाइयों पर कुरान का अपमान करने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वह प्रशासन से न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं, साथ ही लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं। इस्लामवाद भीड़ ने हमले के बाद जरनवाल के सबसे पुराने चर्च में आग लगा दी गई है। इसी बीच पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 बी कुरान का अपमान तथा 295 सी पैगंबर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना के तहत जो ईसाई सफाई कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कृपया करके पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करें कि जो दंगा हुआ है वो शांत हो जाए। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लो।